उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि तंत्र क्रिया के नाम पर रुपयों को कई गुना बढ़ाकर देने की बात करता था और लालच देकर लोगों को वशीकरण के माध्यम से ठग कर फरार हो जाता था। पुलिस ने रतलाम के 4 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे ठगे गए रुपयों से खरीदी एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है। पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर ने बताया कि उज्जैन जिले के खाचो तहसील में रहने वाले पुनित कुमार सोनी ने पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 साल पूर्व अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था जिसने आर्थिक मदद की पेशकश की, साथ ही माता के मंदिर पर अर्जी लगाने के लिए 5,10,000 नगद लाने को कहा और गुजरात के गोधरा बुलवाया। गोधरा गुजरात में फरियादी को बाबा के सहयोगी द्वारा दशा माता मंदिर बाबा के पास ले जाया गया जहाँ पर दोनों हाथ झोले में डाले और दोनों हाथों से रुपए उड़ाकर फर्श भर फरियादी को वशीकृत कर लिया। साथ ही बाबा द्वारा बोला गया कि फर्श पर बिखरे हुए नोटों को बाजार ले जाओ और बाजार में चलाकर देख लो। 2 दिनों बाद फोन के जरिए गिरोह के सदस्य ने पुनित को फोन किया और बताया कि बाबा ने अर्जी लगाई है कि आपको 2.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जहां आपको 21 लाख रुपए दान देना होगा, जिसके बाद 11 लाख रुपए की व्यवस्था के साथ बाबा के पास पहुंच गया और पूजा अर्चना कर बाबा ने उसे एक पेटी थमा दी और कहा कि घर जाकर दूसरे दिन खोलना। अगले दिन फरियादी ने 10 लाख रुपए की मांग गिरोह के सदस्य द्वारा की गई तो शंका होने पर फरियादी ने जब पेटी खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ कागज के गुलाबी टुकड़े थे। खुद को ठगा हुआ महसूस करने के बाद फरियादी पुलिस के समक्ष पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। उज्जैन पुलिस ने ठगी के गिरोह को पकड़ा है जिसमें 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये जो जरूरतमंद लोग हैं उनसे ठगी करते थे, उसको कुछ रुपयों का लालच देकर कुछ राशि प्राप्त करते थे और फिर राशि को बढ़ा दिया गया है ये बोलकर उन्हें एक सूटकेस में राशि दी जाती थी। जब सूटकेस खोला जाता था बाद में एक दिन पश्चात तो उसमें कुछ कागज के टुकड़े मिलते थे, तो इनके द्वारा पहले तो चिन्हित करके ज़रूरतमंद लोगों को, फिर उनको कुछ राशि छोटी राशि लेके बढ़ा दी जाती थी, फिर बड़ी राशि जब लेते थे तो उसके पश्चात से वो नोटों का जो बैग है उसकी जगह उसको बदल दिया जाता था, कागज दिए जाते थे, उसके बाद संपर्क फरियादी का आरोपी से नहीं होता था, इसके बाद फरार हो जाते थे। पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे अन्य भी पूछताछ की जा रही है कि कुछ अन्य लोगों के साथ भी अगर ठगी की होगी तो वो भी सामने आएगी।